हर हर महादेव। देखिए मनु तिवारी जी कानपुर से हैं, इनका प्रश्न यूट्यूब पर टिप्पणी में किया था इन्होंने प्रश्न, यद्यपि मैं वहाँ ज़्यादा देखता नहीं हूँ लेकिन कभी देखा और प्रश्न अच्छा लगा तो उसको हमने वहाँ से संग्रह किया और यहाँ सार्वजनिक रूप से ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए प्रश्न अत्यावश्यक है और इसका उत्तर बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब उत्तर तो बहुत अच्छा है, लोगों को ऐसा लगेगा क्योंकि ये ठीक नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। कारण क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलत मान्यता हो जाए और कई दिनों तक हो जाए तो लोग उसी को फिर मान्यता या मर्यादा मानने लगते हैं। जैसे कहीं मुख्य मार्ग हो, उस मुख्य मार्ग से न जा कर के कई लोग टेढ़े से सीधे से निकल जाते हैं ना, उधर से जाते रहें, और मुख्य मार्ग तो ऐसे ही जब उस पर कोई गया नहीं तो फिर झाड़ी वाड़ी पत्ते वत्ते सब पड़े, धूल पड़ी हुई है, और इधर से जाने वालों का जो है खूब जो है जल्दी निकल रहे हैं लोग, तो लोग भी उसको ही मुख्य मार्ग समझ लेते हैं और जो मुख्य मार्ग है उससे भटक जाते हैं, उसको मुख्य नहीं समझते। ऐसी गलत प्रथाएं भी हमारे यहाँ कई हैं जिनका निवारण करने के लिए ही पूज्य गुरुदेव ने और ये सत्र चलाया है, जिसमें उन्हीं के वचनों के माध्यम से हम यहाँ आप सब लोगों का भ्रम निवारण करते हैं। परंतु एक सब आप लोगों से एक विनम्र निवेदन भी है कि ये जो बातें हैं, ये जो शास्त्रीय बातें हैं, जो भ्रम निवारण है, ये जो ये मर्यादा का संरक्षण है, शास्त्रीय बातें हैं, इनको हम बहुत कम लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कार्य नहीं है कि सब तक हम जो सब लोगों के द्वार पर इसको भेजें, ये कार्य कुछ आपका भी है। ये जो शास्त्रों की बातों को खोज करके, जो वर्तमान में चल रही शंकाओं का निवारण करके, या जो लोग प्रश्न करते हैं उनको जो प्रश्न और भी कर सकते हैं, जो सार्वजनिक बातें हैं, सार्वजनिक हैं, सर्व जो है जनहिताय हैं, इसलिए उनको इस माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि अब कलिकाल में ये मार्ग ही बचा है ताकि लोगों के पास जाए, शास्त्रीय बात जाए, निषेधों का निराकरण जाए तो लोग बच पाए। तो आप लोगों से ये अनुरोध है संस्था की तरफ से कि आप जो इसके अधिकारी हैं, जो लोग पाठ कर रहे हैं, उन तक भेजिएगा ताकि वे सही मार्ग पर चल सकें और गलत मार्ग का अपनोदन कर सकें, उससे निराकरण कर सकें और वे अपना कल्याण कर सकें। लिखा हुआ है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े ईंधन को जला करके खाक कर सकती है। इसी तरीके से नियम पूर्वक विधि पूर्वक पालन किया गया थोड़ा सा भी धर्म महतो भयात्रायते, महान से महान, बड़े से बड़े कष्ट को, भय को निवृत्त करने में, रक्षा करने में सदा समर्थ है। इस दृष्टि से इन बातों को, इन वीडियोस, ये जो बना हुआ चलचित्र, इसको आप जन जन तक भेजिए। आपका जो भी साधन हो, जैसे जैसे आप करें तो लोगों को जोड़िए और उनको भी, उनकी कोई शंका हो तो वे भी कर सकें। तो जो शंकाएं ऐसी होती हैं जिनका व्यक्तिगत ही उत्तर देना होता है, या हम कई बार जिनका उत्तर दे चुके हैं तो फिर उनको भी उत्तर देना ही है, तो उनको हम बोल करके उत्तर दे देते हैं, माने वॉइस में उत्तर दे देते हैं, ये टेलीग्राम पर ऐसा होता है। और जो लोग जो ऐसे प्रश्न करते हैं कि जो सार्वजनिक हैं, सार्वजनिक हैं, तो उनका चलचित्र के माध्यम से आपके पास भेजते हैं। तो संस्था के सदस्यों का भी ये कहना है कि ये बात आप बोला करें, तो हमको भी बार बार ये बात कहने में बड़ा संकोच होता है, तो हमें बार बार न कहना पड़े, इसलिए आप भी ये कार्य करिएगा ताकि लोगों की संख्या बढ़ती जाए और लोग भी इससे लाभान्वित हों और वे कल्याण करें। अब देखिए प्रश्न क्या है, वो बहुत गंभीर है। ये प्रश्न है तिवारी जी का कि मान्यवर प्रणाम आचार्य जी, क्या भारत माता कोई शास्त्रीय देवी हैं या कोई देव हैं? देखिए भारत माता नाम से कोई देवी शास्त्रों में कहीं लिखी है, देव है या देवी है, इनकी शास्त्रों के अनुसार क्या मान्यता है, ये इनका प्रश्न है।
भारत माता की जय हो। और भारत माता भारत माता भारत माता का मंदिर, ये भारतीय प्रजा ने न सुना हो ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान में सबने सुना है और लोगों की एक बड़ी श्रद्धा पूर्वक आस्था भी हो गई है उन पर, परंतु ध्यान रहे कि ये देवी काल्पनिक हैं। इनका शास्त्रों से, इनके स्वरूप का, ये जो स्वरूप आज बना करके हमको दिखलाया जाता है कि भारत का ये जो जो चित्र है उसके आगे एक सिंह से जो आश्लिष्ट हुई एक देवी एक भगवा ध्वजा को लेकर के खड़ी हुई हैं, तो क्या ये देवी शास्त्रों में कहीं वर्णित हैं? कहीं ये ध्यान किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? हमारे यहाँ देवी के जो स्वरूप हैं, जिन स्वरूपों में देवी का चित्रण किया जाता है या देवता की जिन स्वरूपों में मूर्ति बनाई जाती हैं, वो ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं बनाई जाती। किस हाथ में क्या आयुध है, उनका क्या स्वरूप है, कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे मुकुट किरीट कुंडल इत्यादियों को धारण किए हुए हैं, किस मुद्रा में वो खड़ी हुई हैं, क्या उनका वाहन है, ये सब ध्यान रूप में जो शास्त्रों में श्लोकबद्ध रूप से लिखे हुए हैं उसी रूप में और चित्रकार कलाकार लोग उनको चित्रित करते हैं, मूर्तिकार लोग मूर्ति बनाते हैं और फिर हम लोग मंत्र पूर्वक प्रतिष्ठा करके और उनमें देवत्व या देवी तत्व का आधान करते हैं और फिर वे पूजित होते हैं। परंतु जिनका नाम कहीं शास्त्रों में नहीं आया हो, जिनका स्वरूप शास्त्रों में कहीं वर्णन न हो, तो वो मनमानापन है और मनमानापन करना अपराध है, क्योंकि कार्य वही करना है जो शास्त्रीय है। तो ये भाई, तो ये भारत माता देवी कहाँ से आ गई? अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि भाई ये तो बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, ये कहाँ से आ गई, कौन है ये, किसने जो प्रचलित कर दिया? तो देखिए, आप इतिहास को खोज करके देखेंगे तो ये जो अंग्रेजों के समय में जब भारत ये परतंत्र था, तब कुछ ये जो सेनानी, ये जो लोग हुए जो स्वतंत्रता सेनानी, जिनको समाज में जोश भरना था और लोगों को अपनी स्वतंत्रता की मांग करने के लिए अग्रसर करना था, तो ऐसे कुछ जो विचारक हुए जो है बंगाल क्षेत्र में, तो उन बंगाल क्षेत्र में यानी 1905-07 की बात है लगभग, ये उस समय एक राष्ट्र को ही, जन्मभूमि को ही देवी के रूप में चित्रित किया, ताकि वहाँ बंगाल में जो है शक्ति उपासक है, शक्ति की उपासना है, तो भारत माता नाम दे दिया। यद्यपि हमारे यहाँ तो भारती माता होना चाहिए ना, है ना, जो भारती देवी, तो ये भारत माता, भारत तो पुण्यलिंग है, या तो भारत की माता, देश की माता, ऐसा नहीं। तो यद्यपि जन्मभूमि की बड़ी महिमा है, जन्मभूमि की हम पूजा करते हैं और जन्मभूमि ही क्या, पूरी पृथ्वी की हम पूजा करते हैं, तो हमारी ये जो पृथ्वी देवी है वो, क्योंकि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमे, वे विष्णु पत्नी हैं, भगवती श्री देवी भूदेवी, ये भगवान श्री हरि की शक्तियां हैं, तो वे हमारी माता हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ तो ये कहा गया है पूरी वसुधाई हमारा कुटुंब है, माने जो भी समस्त देशों की, जिस पर देश बसे हुए हैं, जहाँ निर्जन है, जहाँ जो पर्वत हैं, जहाँ जल है, या सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, उन सभी सप्तद्वीपवती पृथ्वी को हम मातृ रूप में चित्रित करते हैं, माता मानते हैं और पूजा भी करते हैं। हर कार्य में, हर पूजन से पहले भूदेवी की कूर्मानंत वराह देवता सहिता यही भूदेव्य ही नमः, भूदेवी का पूजन करते हैं। कर्मकांड में सब जगह पूजन होता है और जन्मभूमि की विशेष महिमा है शास्त्रों में, जन्मभूमि अपनी जो है जन्मभूमि नाम से। परंतु भारत माता है ना, समझ रहे ना, भारत माता, तो भारत कैसे, भारत की माता, या तो ये भारतस्य माता ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो ये एक काल्पनिक है जो वीर पुरुषों के द्वारा वीरता जागृत करने के उद्देश्य से बनाई गई, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। परंतु शास्त्रकारों ने इसकी कहीं भी, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने, या ये जो भी धर्मशास्त्र हैं, उसमें कहीं भी चित्र रूप में या नाम रूप में कहीं भी इनकी चर्चा नहीं है।
अगर कहीं चर्चा किसी विद्वान सज्जन को मिलती है तो आप बतलाएं, आप लिख सकते हैं, देखिए वहां इस पुराण में, इस तंत्र में, इस आगम में, या इस ये जो है वेद की इस शाखा के इस मंत्र में ये भारत माता का नाम आता है। इस दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि अब देखो जहां तक से नाम है राजनैतिक जितने भी कार्य हैं वहां ये नारा लगाया जाता है भारत माता की जय हो, तो ये थोड़ी है, ये नहीं लगना चाहिए शास्त्र के अनुसार। किसी काल्पनिक देवता को बना बैठे, और जिस तरीके से लोगों ने साई बाबा को ईश्वर बना लिया, कुछ लोगों ने ये जो है फिल्म की देवी, पिक्चर की देवी संतोषी माता को देवी बना लिया, तो ये तो शास्त्र में नहीं है। आज भी कोई किसी को देवता बना ले, भैया लोग अपने गुरु को देवता बना करके मंदिर बनाए, पूजा करें और वो सब लोग करने लगे, तो ये ऐसा नहीं है। हाँ माता पिता देवता हैं ठीक है, तो लेकिन उसी पुत्र के लिए है, सबके लिए थोड़ा ही। तो इस दृष्टि से ये निश्चित है कि शास्त्र में कहीं भी भारत माता नाम से नहीं लिखा हुआ है, तो ये काल्पनिक देवी है। तो इनका जो मंदिर बनवाना, चित्रण करना, ये सब नहीं। हाँ राष्ट्र के प्रति जो है बड़े श्रद्धान्वित होना चाहिए, अपने देश के प्रति बड़े कृतज्ञ होना चाहिए, देश के प्रति जो आस्थावान, और अपने यहाँ तक कि देश के ऊपर यदि कोई आपत्ति आती तो बलिदान देने के लिए भी तैयार होना चाहिए, अपनी जन्मभूमि की रक्षा करना चाहिए, ये सब बात शास्त्री हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा यहाँ कहने का मतलब किसी का अपमान करने का नहीं है, लेकिन आपको सत्य मार्ग दिखलाने का हमारा कार्य है। भले आपको बुरा लगे ये सुन करके, हो सकता है आपको गलत भावना आ जाएगी ये क्या बात कह रहे हैं, लेकिन नहीं, इस बात पे विचार जरूर करना और समझना कि क्या बात ये सही है, क्योंकि सही है, बस आपको विचार की जरूरत है। तो इसलिए कुछ ऐसी जो है परंपरा, ऐसी जो भावनात्मक है या जो क्रियान्वित भी हो रही है लेकिन वो अशास्त्री है, तो वो सर्वथा त्याग देने योग्य है। हर हर महादेव।